अब बात करते हैं राजधानी दून की, जहां पर एसएसपी ने पत्रकार वार्ता करते हुए लूट का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बीते 29 अगस्त को यह लूट की घटना सहस्त्र धारा क्षेत्र में हुई थी। घटना को आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया था। इसमें आरोपियों ने सीबीआई ऑफिसर बनकर छापेमारी की और करीब 3.25 लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में 2 लाख रुपये बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 29 अगस्त को एक घटना हुई थी सहजा रोड में, लूट की घटना हुई थी और उसको बहुत ही फिल्मी स्टाइल में सीबीआई ऑफिसर बनकर के लोग घुसे थे 3 लोग, और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया गया था जस्ट वादी पक्ष को इम्प्रेस करने के लिए। और उनकी वहाँ से फिर जो है आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन लगभग लगभग 3.25 लाख रुपया जो है उठा के ले गए थे। तो जब हमने इसकी तहकीकात करी, तहकीकात करने पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जो विभिन्न वादी पक्ष का भी जो है वो जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उसके हम अलग से जांच कर रहे हैं और उसका हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में